दोस्तों 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में मौत हो गई थी, जिसे पूरी दुनिया ने पूरी तरह से मर्डर कहा और उसके बाद से ही जांच जारी है। पहले मुंबई पुलिस ने जांच की और फिर फैंस का दबाव बढ़ा तो सीबीआई को जांच सौंपी गई और सीबीआई की जांच को भी करीब 1.5 साल होने को है। अब पहले भी कई तरह की थ्योरीज चलती रहीं, कई बातें होती रहीं, कई दावे होते रहे, लेकिन सीबीआई ने कभी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। मगर अब 1.5 साल बाद, जी हाँ 1.5 साल बाद, सुशांत की मौत की बाथरूम थ्योरी ने हंगामा मचा दिया है, बवाल मचा दिया है। हालात ये हैं कि मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने केंद्रीय मंत्री को बुलावा भेज दिया है, क्योंकि फाइनली सच सामने आ ही गया है। बाथरूम वाले खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है और इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इंसाफ की मुहिम भी फिर से शुरू हो गई है। तो क्या है पूरा अपडेट, सब कुछ आपको बताते हैं, वो चार नाम भी आपको बताएंगे जरूर। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अब ये मामला सही ट्रैक पर जा रहा है, कमेंट जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये खुलासा, ये दावा केंद्रीय मंत्री ने किया है और इसीलिए भी इस पर भरोसा ज्यादा बढ़ रहा है। सुशांत को लेकर बाथरूम थ्योरी की जो बात सामने आई है उसके मुताबिक पहले सुशांत को बाथरूम में मारा गया और फिर बाथरूम से चार लोग सुशांत को घसीट कर बेडरूम लेकर आए और फिर इस दौरान सुशांत के साथ मारपीट भी की गई, उनका पैर तक तोड़ दिया गया और फिर किसी को कुछ ना पता चले इसके लिए पंखे से लटकाने का पूरा प्लान बना लिया। ये सब कुछ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खुलासे किए हैं। और यही नहीं, राणे उन चार लोगों के नाम भी बताने को तैयार हो गए हैं। अब वो नाम भी आपको बताएंगी, लेकिन पहले देखिए कि सीबीआई को लेकर क्या खबर है। तो सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने नारायण राणे से संपर्क किया है और नारायण राणे के इस मामले में बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि इसके लिए तारीख भी करीब करीब तय हो गई है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में नारायण राणे से इसे लेकर बातचीत हो सकती है और नारायण राणे सीबीआई के सामने बयान अपना दर्ज करा सकते हैं। पहले भी राणे ने कई तरह के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में लगाए थे, मगर तब राणे के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, पुख्ता गवाह नहीं थी। मगर इस बार नारायण राणे का कहना है कि पुख्ता सबूतों के साथ वो आए हैं और इस मामले में चार लोगों के नाम बताने को भी तैयार हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बड़ी बात बता दें कि पहले भी नारायण राणे ने सुशांत को लेकर बयान दिए थे, लेकिन तब राणे सिर्फ एक बीजेपी नेता थे, लेकिन अब राणे एक केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उनके हर बयान के मायने होते हैं। और अगर केंद्रीय मंत्री किसी मामले पर सबूत देने की, सबूत होने की, गवाह होने की बात कहता है, किसी मामले पर गवाहों को सामने लाने की बात कहता है या फिर कोई खुलासा करता है, कोई बड़ी बात बोलता है, तो फिर राणे की बातों को सुनना, समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकता। नारायण राणे ने चार लोगों के नाम भी बताने की बात कही है। राणे के मुताबिक ये लोग बेहद प्रभावशाली हैं, जिसमें से एक शख्स प्रभावशाली राजनीति से जुड़ा है, दूसरा शख्स उसका ही करीबी दोस्त है, जबकि राणे के मुताबिक दो अन्य लोग भी हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और राणे के मुताबिक इन्हीं लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया, बाथरूम में गला घोंटा, फिर बेडरूम तक घसीटकर लेकर आए। नारायण राणे सीबीआई के सामने इन चारों लोगों के नाम बताने को तैयार हैं और पूरी तरह से इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने को भी तैयार हैं। और इसके बाद ही राणे के बयान के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई है और सीबीआई ने भी तुरंत ही नारायण राणे से संपर्क कर लिया। अब राणे के इस बयान के बाद सुशांत केस में नई जान आ गई है। अब तक शांत पड़े सुशांत केस में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है और फैंस भी एक बार फिर से अलर्ट हो गए हैं, एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि फैंस के ही बेस पर सुशांत की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सुशांत के इंसाफ की बात कही जा रही थी और एक बार फिर फैंस के ही बेस पर ये लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी, सुशांत के लिए लड़ी जाएगी, ये तय है। और इसीलिए फैंस का एकजुट होना भी तय है और इसीलिए आपसे भी हम अपील करते हैं कि एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत के इंसाफ को लेकर एकजुट हो जाएं दोस्तों,
क्योंकि अब सीबीआई एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही है और नारायण राणे के बयानों के बाद अगर कुछ बड़ी कार्रवाई होती है तो तय है कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ नया होगा, बड़ा होगा। और इसीलिए अब इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, इंसाफ होगा, इसी धरती पर होगा दोस्तों। तो आपको नारायण राणे की बातों पर, केंद्रीय मंत्री के दावों पर कितना भरोसा है कमेंट करके बताएं, और सुशांत के इंसाफ को लेकर आपका क्या कहना है इसे भी जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एक साल बाद भी सुशांत मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने एक्टर की ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किए जा चुके डेटा को वापस पाने के लिए आधिकारिक रूप से अमेरिका से मदद मांगी है। इस मामले में गूगल और फेसबुक को भी रिक्वेस्ट भेजी गई है कि वो सुशांत के सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिकवर करने में मदद करें। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे से घरेलू मामलों की जांच में जानकारी मांग सकते हैं। सीबीआई इस डेटा से ये जांच करना चाहती है कि क्या कभी ऐसा कुछ हुआ जिसका सुशांत की मौत से कोई भी नाता हो, कोई चैट ऐसी हो, कोई पोस्ट ऐसा हो, कोई मैसेज ऐसा हो जिससे पता चल सके कि सुशांत की मौत की असल वजह क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने सुशांत के मामले में गूगल और फेसबुक से ये जानकारी MLAT यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रेटी के तहत मांगी है। इसमें डिलीट हुई चैट्स, ईमेल्स या एक्टर की तरफ से की गई कोई भी पोस्ट शामिल है। MLAT के जरिए दोनों देश घरेलू जांच में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसी ट्रेटी के तहत सीबीआई ने भी अमेरिका से मदद मांगी है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि सीबीआई अब सुशांत की चार्जशीट फाइल करना चाहती है और इस केस की जांच को अंतिम रूप देना चाहती है, मगर केस की जांच को अंतिम रूप देने से पहले सीबीआई कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई जानना चाहती है कि क्या कोई ऐसी खास डिलीट हुई चैट्स, पोस्ट या फिर मैसेजेस हैं जो कि मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में मददगार हों। जांच एजेंसी ने अपने बयान के जरिए बताया है कि वो अब तक मामले की जांच हर एंगल से कर रहे थे, यानी कि उसमें आत्महत्या भी था और मर्डर भी। सीबीआई अब तक रिया चक्रवर्ती पर लगे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों, दबाव के चलते अभिनेता की तरफ से उठाए गए आत्महत्या के कदम को लेकर जांच कर रही थी, मगर अब सीबीआई का कहना है कि सुशांत मामले में न तो CCTV फुटेज है और न ही किसी और तरह का सबूत है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सुशांत के गूगल और फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पुरानी पोस्ट या फिर मैसेंजर के जरिए हुई डिलीट चैट को रिकवर करें और उसके जरिए कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करें ताकि किसी भी तरह का संशय चार्जशीट फाइल करने के दौरान ना रहे। सीबीआई का कहना है कि इसीलिए अमेरिका से मदद मांगी गई है ताकि वो सुशांत के गूगल और सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स के डेटा रिकवर करके दे सके, जिसके बाद अगला स्टेप भी